तो दोस्तों साउथ के मांस महाराजा कहे जाने वाले सुपरस्टार रवि तेजा अपनी एक बड़ी और पैन इंडिया मूवी के साथ हम सबके बीच में आने वाले हैं। इस मूवी का नाम होने वाला है रवणासुरा। इस मूवी को बड़े बजट के साथ पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म में हमें साउथ के कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, इसीलिए लोग इस फिल्म के लिए बड़ी एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। इस फिल्म में हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें फिल्म की कास्टिंग की तो इस फिल्म में हमें साउथ के कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं और फिल्म में हमें मेन रोल में रवि तेजा देखने को मिलेंगे। वहीं फीमेल रोल में मेघा आकाश और अनु इमैनुएल देखने को मिलेंगी। फिल्म में हमें विलेन के रोल में साउथ के एक और बड़े एक्टर सुशांत देखने को मिलेंगे। वहीं फिल्म को साउथ के बड़े डायरेक्टरों में से एक सुधीर वर्मा के डायरेक्शन में बनाया जाएगा। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने साउथ को कई बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवियां दी है, इसीलिए इस फिल्म से लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही है। पहले इस फिल्म को 2022 में रिलीज किया जाना था पर किन्हीं कारणों की वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया, पर अब जल्द ही ये फिल्म देखने को मिलने वाली है। वहीं फिल्म की शूटिंग अभी जारी है पर उसे जल्दी खत्म कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये फिल्म हमें 2023 में अप्रैल के महीने में देखने को मिलने वाली है। वहीं बात करें इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। दूसरा, इस फिल्म में हमें साउथ के कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे, इसलिए फिल्म का बड़ा बजट होना तो लाजमी है। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए के बीच होने वाला है, जिससे साउथ की बड़ी बजट वाली फिल्मों में शुमार हो जाएगी। वहीं बात करें स्टोरी की तो इस फिल्म में हमें रवि तेजा एक वकील के रोल में देखने को मिलने वाले हैं, जो किसी औरत को इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे। इसीलिए इस फिल्म के लिए लोगों में एक्साइटमेंट देखी जा रही है क्योंकि ऐसी पिक्चरें धमाल करती है। अगर बात करें इस फिल्म के हिट या फ्लॉप होने की तो इस फिल्म में हमें साउथ के कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। दूसरा, इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएगी और ज्यादा से ज्यादा कमाई भी कर पाएगी, तो लोग इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के पोस्टपोन होने के बाद तो लोगों की इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं फिल्म को लोग जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। अगर इस फिल्म की स्टोरी अच्छी होगी और फिल्म की स्टोरी लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएगी तो जरूर ये ऑल इंडिया धूम मचा देगी। बाकी दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।